गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इंडियन पेनल कोड 1860 के टॉपिक दुष्प्रेरण के विषय में अध्ययन करेंगे। दुष्प्रेरण के विषय में अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमने पूर्व में जो पढ़ा और आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो उन सभी में क्या है, अपराध की परिभाषा दी गई है, न कि अपराधी की। जैसे चोरी है, लूट है, डकैती है, हत्या है, इन सभी अपराधों की परिभाषा दी गई है। जो चोरी करता है वो चोर होता है, लूट करता है वो लुटेरा होता है, डकैती करता है वो डकैत होता है, हत्या करता है वह हत्यारा होता है। इस प्रकार से अपराध की परिभाषा दी गई है और जो व्यक्ति अपराध करता है वह अपराधी हो जाता है। भारतीय दंड संहिता में ऐसे ही परिभाषा दी गई है, लेकिन इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ऐसा नहीं किया। इसमें दुष्प्रेरण के अपराध के दुष्प्रेरण को परिभाषित नहीं किया गया, इसमें किसी बात के दुष्प्रेरण को परिभाषित किया है, और इसलिए यहां अपराध को भी परिभाषित किया है बात के दुष्प्रेरण के, और अपराधी को भी यानी अबेटर को भी यहां परिभाषित किया है। यदि अपराध के दुष्प्रेरण को यहां परिभाषित किया जाता तो फिर अपराधी को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस दुष्प्रेरण के टॉपिक में किसी बात के दुष्प्रेरण को परिभाषित किया है, न कि किसी अपराध के दुष्प्रेरण को परिभाषित किया। इसलिए बात के दुष्प्रेरण को परिभाषित करने की वजह से अपराधी दुष्प्रेरक को भी परिभाषित किया है यहां पर। दुष्प्रेरण के विषय में हम बात करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 107 से 120 तक में प्रावधान दिया गया है। धारा 107 में दुष्प्रेरण के बारे में बताया है, किसी बात का दुष्प्रेरण। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि किसी अपराध के दुष्प्रेरण के बारे में नहीं बताया गया है, यहां पे किसी बात के दुष्प्रेरण के बारे में बताया है, इसलिए यहां पर अपराधी को भी डिफाइन किया है। बात का दुष्प्रेरण कब होता है? कोई व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यह तब कहा जाता है। देखिए, ये तीन प्रकार से होता है। आपसे पूछे कि दुष्प्रेरण कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार से होता है। सरल शब्दों में कहूं तो उकसाकर, नंबर एक, नंबर दो, षड्यंत्र के द्वारा, और नंबर तीन, साहस्य सहायता करके। इस प्रकार से तीन प्रकार से होता है। विस्तृत रूप में चर्चा करें तो नंबर एक, कोई व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता है, यह तब कहा जाता है जब वह किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। उकसाना मतलब इंस्पायर करना, किसी को उत्तेजित करना, भड़काना। नंबर दो, षड्यंत्र की बात करें तो किसी बात को करने के लिए षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए। देखिए, षड्यंत्र की बात करें तो षड्यंत्र के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं अकेला अपने आप से कोई षड्यंत्र नहीं कर सकता। षड्यंत्र के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तभी वे षड्यंत्र कर सकते हैं। षड्यंत्र की परिभाषा की बात करें तो कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, और दो व्यक्ति किसी अवैध कार्य को, अवैध जो विधि के विरुद्ध है, या तो कार्य अवैध है या कार्य वैध है लेकिन साधन अवैध है, को करने के लिए अपनी सम्मति देता है, करार करते हैं, तो वो माने जाते हैं कि षड्यंत्र करते हैं। नंबर तीन, उस बात को किए जाने के लिए किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा साहस्य सहायता करता है। किसी व्यक्ति को किसी की हत्या करने के लिए कोई साधन उपलब्ध करवा देना, हथियार उपलब्ध करवा देना, ये सहायता के द्वारा। इस प्रकार से दुष्प्रेरण तीन प्रकार से होता है, उकसाकर, षड्यंत्र के द्वारा, सहायता के द्वारा। लेकिन देखिए, केवल परामर्श देना दुष्प्रेरण नहीं माना जाता जब तक कुछ करने के लिए सक्रिय सुझाव या प्रेरणा न दे दी जाए, तब तक
केवल नॉर्मली परामर्श दुष्प्रेरण की कैटेगरी में नहीं आता। इस प्रकार से हमने दुष्प्रेरण के बारे में नॉर्मली कि दुष्प्रेरण किस प्रकार से होता है ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं अबेटर की। दुष्प्रेरण जो करता है वह दुष्प्रेरक होता है। मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ किसी बात के दुष्प्रेरण के बारे में बताया, इसलिए यहाँ अपराधी को भी डिफाइन किया है। धारा 108 में दुष्प्रेरक के बारे में बताया है कि वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या किसी ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता। यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति के द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाए। यहाँ पर पांच स्पष्टीकरण भी दिए हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, मैं आपको बारी बारी से समझाता हूं। नंबर 1, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। नंबर 2, दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। देखिए, ए एक व्यक्ति है, वह बी नामक एक व्यक्ति को कहता है कि वह सी की हत्या कर दे, लेकिन बी सी की हत्या करने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर भी ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। इसलिए मैंने अभी आपको बताया स्पष्टीकरण में कि कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। ए ने अपना कार्य पूरा कर दिया था लेकिन बी ने इनकार कर दिया, इसलिए वह कार्य नहीं किया। नंबर 3, स्पष्टीकरण, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। देखिए, इसके लिए भी हम एक दृष्टांत की बात करते हैं। ए एक व्यक्ति बी एक विकृत पागल व्यक्ति को कहता है कि वह सी के घर में आग लगा दे। बी विकृत है, अनसाउंड माइंड है, वह नहीं जानता, उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर सकता, सही और गलत में भेद नहीं कर सकता। ए ने उसको कहा, बी को, जो कि एक पागल व्यक्ति है, कि वह सी के घर में आग लगा दे। बी सी के घर में आग लगा देता है लेकिन फिर भी वह किसी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि इस संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृतित व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है। लेकिन फिर भी ए उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। इसके बाद में नंबर 4, स्पष्टीकरण की बात करें तो अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। कैसे? ए एक व्यक्ति बी को उकसाता है कि वह सी की हत्या कर दे या किसी के घर में चोरी कर ले या किसी के घर में आग लगा दे, लेकिन बी भी किसी अन्य व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है उस कार्य को करने के लिए, वह स्वयं नहीं करता। ए ने बी को उकसाया, बी ने किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाया, तो इस प्रकार के दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। इस प्रकार से हम अंतिम स्पष्टीकरण की बात करें कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया गया है। इस प्रकार से ये 5 स्पष्टीकरण है। देखिए, हमने अभी बात की दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है, कार्य का किया जाना भी आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी वह अपराध हो जाता है। अब यहां पर बात यह करते हैं कि एक व्यक्ति है जो भारत में निवास करता है, भारतीय नागरिक है, और विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति को वह दुष्प्रेरित करता है। देखिए, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण के बारे में हम धारा 108 ए में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण के बारे में बताया कि जो भारत से बाहर और परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं कि ए एक व्यक्ति है, वह किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है कि यदि वह अपराध भारत में किया जाए, इंडिया में किया जाए, तो वह अपराध होगा। उसी अपराध को करने के लिए अमेरिका में निवास करने वाले एक व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने वह दुष्प्रेरण भारत में ही किया और उसी प्रकार वह दायित्व के अधीन होगा, दोषी होगा।
इसके बाद में हम धारा 109 में बात करें कि दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप कर भी दिया जाता है, लेकिन उसके लिए इस संहिता में कोई दंड का प्रावधान नहीं है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए है। यदि दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान नहीं है तो वह उस अपराध के लिए ही दोषी ठहरा दिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करें कि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कोई कार्य करता है, तब जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय से और ज्ञान से कार्य किया, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है जो किया जाता। यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाए। इसके बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको भी समझना आवश्यक है, सेक्शन 111, जिसमें बताया है कि दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाए और उसे भिन्न कार्य किया जाए। कैसे? एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ में आएगा कि एक व्यक्ति एक्स है, वह वाई को बोलता है कि वह जेड के घर में आग लगा दे। एक्स वाई को कहता है कि वह जेड के घर में आग लगा दे। वाई एक्स के कहने पर जेड के घर में आग लगा देता है और फिर संपत्ति की चोरी भी करता है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि एक्स किस विस्तार तक दायी होगा। देखिए, एक्स ने उसे केवल घर में आग लगाने के लिए दुष्प्रेरित किया था, इसलिए वह उसी विस्तार तक दायी होगा। चोरी के लिए वह दायी नहीं होगा, अर्थात वह सीधा आग लगाने के लिए ही दायी होगा। उसका जो कार्य है वह सीधा चोरी आग लगाने से संबंधित है, न कि चोरी करने से। इस प्रकार से यदि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस भिन्न कार्य के लिए दायी नहीं होगा, वह उसी विस्तार तक दायी होगा जिस विस्तार तक उसने किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया है। इस प्रकार से हमने आज दुष्प्रेरण के विषय में अध्ययन किया, दुष्प्रेरण किस प्रकार से हो सकता है। हमने तीन एलिमेंट की बात की, उकसाकर, षड्यंत्र के द्वारा, सहायता के द्वारा। एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाए, भिन्न किया जाए, तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, किस विस्तार तक दायी होगा। दुष्प्रेरक की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी। भारत से बाहर कोई यदि भारत में रहकर दुष्प्रेरण करता है तो उसके बारे में भी अध्ययन किया। मेरे विचार से इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में वापस मिलेंगे। थैंक्स।